पायल बड़ों से जबरदस्ती डाइटिंग करवाती है ताकि कल सगाई में किसी भी वजह से कोई विघ्न ना आए। मार्जरी को बड़ों की सगाई में जाता देख लकी भी वहां जाना चाहता है, मगर रघुवीर सिंह उसे मना कर देते हैं। रघुवीर सिंह वीरेन सिंह और अपने परिवार के साथ बड़ों के घर पहुंचते हैं। वीरेन सिंह के दोनों बेटे बड़ों को मिलकर उससे ये पूछते हैं कि क्या वही उनकी होने वाली माँ है। इस बात पर बड़ों प्यार से दोनों को गले लगा लेती है। अब आगे आइए, कैसी बात कर दी आपने भाभी? न जाने कितने बरसों से आपके हाथ की अदरक वाली चाय पीने के लिए तरस गया था। वही चाय पिलाकर धन्य कर दे मारे को। हाँ भाभी, ना खुशी के मौके पे आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। मारा बड़ा छोरा है ना शंकर, तू देखना एक दिन ये भी मारी तरह वेट लिफ्टिंग करेगा और दुनिया भर में मारा नाम रोशन करेगा। तो दुशंकर से जी क्या बात है, कमजोर लग रहे हैं? वर्जिश बंद है के? प्रणाम प्रणाम जीतर हो जीतर, लगता है वर्जिश शुरू है। हमारे से जितना बढ़ता है उतनी कोशिश तो मैं करूं। बढ़िया बढ़िया। मालती भाभी ने कमला भाभी ना दिखाई दे। भाभी ऐसा है कि कमला भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मालती उनका ख्याल रख रही है। बल्कि वो तो सुबह से तैयारी कर रही थी आप सबको मिलने के लिए, बड़ी चाह थी बड़ी इच्छा थी उसकी, पर अब ऐसे छोड़ के भी तो नहीं आ सकते ना। आई बधाई। आप तो बड़ी क्वीट हो जी। तमाद जी, ये दूध जैसी गोरी चिट्टी लड़की आपके रिलेशन में है क्या? नहीं जी। अरे ना ना भाभी, यो तो बाऊजी की मेहमान से परदेश से आई है, वो भी जर्मनी से। अरे वाह, जर्मनी से? वाह जी वाह, बाबूजी आपके तो मेहमान भी स्पेशली है। अरे बुआ, आप तो कह डारी हो, आज तो आपके सामने कोई नहीं टिकेगा। दो दिन पहले तो मारे को यहाँ एक पल ना टिकने दे रही थी। के बात है, मुँह से बड़ा शहद टपक रहा है छोरी। बुआ जी, आपकी जूती और मारा सर, माले से गलती हो गई आपको पहचानने में, आगे से ना होगी। आज तो आपके स्वागत में कोई कमी ना छोड़ूंगी, मैं बासी समोसे भी ले आई हूँ। मेरा मतलब है बहुत सारे समोसे ले आई हूँ जी, अपने हाथ से तले हैं समोसे कचोरियाँ। जो हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रखियो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बुआ जी, गड़े मुर्दे उठा के क्या फायदा, आज तो मजे करेंगे। मेरा कैमरा कहाँ गया?
भाई मानना पड़ेगा। आप कैसे भी टाइम में अपने दिल की बात अगले तक पहुंचाने का रास्ता बना ही लेते हो। अरे भाई, अरे कब तक थकाओगे इस पहलवान को? चलो ना, तैयार हो जाओ। क्या उतावला हो रहा है भाई? ब्याह करने जा रहा है क्या? अरे नहीं भाई, वो बकरियां वाला गांव जाना है। चलो ना, देरी हो जाएगी। बकरियां वाला गांव जाना था? जी। लाखा, तेरी जो पहेलियां चल रही है ना आजकल, ये सब समझ आ रही है मुझे। ये जो तू गोरी मेम के पीछे पीछे जाना चाह रहा है ना, लेकिन अगर बाबूजी को तेरी इस चीज की महक लग गई ना लाखा, तो तेरी ना कमर तोड़ तुड़ाई होगी वहां पे, समझा? अरे भाई, मैं आपका छोटा भाई हूं ना, थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दे दो। देखो ना मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूं। चलो ना भाई। चल कोई ना, प्रैक्टिस पूरी कर लेते हैं फिर चलते हैं। अरे भाई कितना टाइम लगाते हो? अरे चलो, अरे अरे चलो ना भाई, चलो 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 जल्दी। भाभी अब कोमल बिटिया को बुला लो, सगाई की रसम शुरू कर सके। हाँ बुलाती। भाभी ये बात भाई जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मने वीरेंद्र सिंह जी से कुछ पूछना से। भाइयों से की छोरी की मां से बड़ी चिंता हो गई छोरी की जिंदगी को लेके। बस उसी वास्ते एक सवाल पूछना चाहूं। मैं धन्य हो गई आप मारे घर मारे छोरी का रिश्ता लेकर आए सो, मगर क्यों करना चाहो मारी कोमल के साथ शादी? जमुना, दिमाग तो नहीं खराब हो गया थारा? एक तो हम सामने से रिश्ता लेके आए और ऊपर से तू उल्टे सुलटे सवाल पूछ रहे। आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? माँ जी आपका सवाल गलत नहीं, दो बच्चों का बाप होने के नाते मैं अच्छे से समझ सकता हूं आपके मन की चिंता को। सच कहूं तो मारे को कोमल में अपनी पत्नी की छाया से ज्यादा अपने बच्चों के लिए माँ की ममता ज्यादा दिखे, इसलिए ब्याह करना चाहता हूं उससे। पहली बार किसी ने मेरे मन की खूबसूरती देखी बिना मेरे तन का मखौल बनाए। जिस छोरी के मन में हमारे बच्चों के लिए इतनी ममता हो, अगर उसका साथ मिल जाए तो बड़ी किस्मत की बात होगी मारे लिए। बस इतना ही कहूंगा आपसे। मैं दुल्हन लेके आऊं। सब तेरा मैं इंतजार कर रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तेरी सगाई हो रही है। बड़ो रुक जा, हाँ हाँ अब ठीक से बात होगी। सकल के 12 के बजा रखे हैं, अभी तो सिर्फ 12 बजे है, पर यो पट्टी अगर बंदी रही ना तो मेरी घड़ी बंद हो लेगी। इब तो हटा दो बाबी, और पतली नहीं होने वाली मैं। चुप कर, कैसे की तरह जबान चले है तेरी, वहां जाके दादा चलाई हो ना। और सुन, हाँ ना, सबको देख के ना मुस्कुराई हो, शर्माई हो, देखी हूं। और वीरेन जी को देखे,
भाई अगर बाबूजी ने सबके सामने पीट कर इज्जत का फालूदा कर दिया तो? अरे कोई गैर कानूनी काम थोड़ी ना करने जा रहे हैं, छोरी का कैमरा वापस लौटाने जा रहे हैं। और भाई है ना अपने पास विटनेस के तौर पे, बाबूजी कुछ नहीं कहेंगे ना? हाँ चलो। क्या हो गया घर में, कुछ जाता है के? या फिर मन नहीं ऐसा लग रहा है? तेरा मुखी उतरा हुआ है। गर्मी तो बड़ी की ही ना, आज मेरा लकी जो यहाँ आ गया है। अरे ये लोग तो बड़ों के घर की तरफ जा रहा है, चल चल देखते हैं। आज मेरी सासू मेरे तक कितनी नाराज होगी, मेरे देवर की पूरी जिम्मेदारी मैंने सौंप कर गई थी। कहा था कमला रघु की दुल्हन बिल्कुल तेरी परछाई होनी चाहिए, उसके जीवन साथी ढूंढने की जिम्मेदारी भी मेरे आता में सौंप कर गई थी। जी जी इतना ढूंढने के बाद भी आपने मुझे ही चुना ना? हाँ वही तो भुगत रही हूँ मैं, अपनी सासू की उम्मीद पे खरी ना उतरी, सोचा था तू गाँव निकलेगी। तू कितनी चलाक निकली रे मालती। हाँ वो जर्मनी। हाँ मैं क्या जानू जर्मनी, मैं तो कभी हरियाणा तक हारी ना गई। तू जर्मनी जाके आधे अधूरे कपड़े पहन के खूब घूमी है और मैंने आके झूठ बोल दिया। इब तुम्हारे छोरे भी जवान हो रहे हैं, तू बिल्कुल अपने जैसी तेज बहू ले आएगी अपने छोरे के लिए, और मैं बिल्कुल अपने जैसी गऊ गऊ बहू लेके आऊंगी, और फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा। तेरी तेज बहू मेरी गाय जैसी बहू का जीना दुबार कर देगी। भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो, फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपसे सौतेला व्यवहार करूं? बिल्कुल लगता है ऐसा ही होगा। तू अपनी ये बड़ी बड़ी आंखों में मासी मत भर के मैंने उल्लू ना बनावे, मैं उल्लू ना हूं। ठीक से अगर आपको ऐसा ही लगता है ना तो लो, ये दोनों फोटो के पैकेट आप ही रखो, इबलाखा और राणा की बहुएं आप ही चुनोगी। देख देख तू मनाली जा रही है ना, मने पता है तू एंड मौके पे मुकर जाएगी, और मने यो भी पता है कि छोरे का मोह बहुत बड़ी चीज हो वह, उसके चक्कर में मां बारे तो हो जाएगा। भाभी मेरे पे विश्वास रखो, कुछ भी हो जाए लेकिन इस घर में मैं महाभारत नहीं होने दूंगी। फिर दे वचन कि इस घर में दोनों बहू मेरी पसंद की आवेंगी, और तू बीच में कुछ नहीं बोलेगी। ठीक से भाभी मैं आपको वचन देती हूँ कि जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा।
खूबसूरत लग रही हो आप। You're looking so pretty. Thank you. और same to you. भाभी थोड़ा गला तर करने दो ना, पानी से ना मोटी होने वाली मैं। लकीरो, मुझे तो पता ही नहीं था आप आने वाले हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तो अपने स्कूल के सारे फ्रेंड्स को बुला रहता। लकीरो, लकीरो। बच्चों परेशान मत करो, चलो। मना किया था ना? फिर तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? जी वो हम नहीं आ रहे थे, लेकिन आपके जाने के बाद हमने देखा कि माजरी जी अपना कैमरा वहीं भूल गई, तो बस वही देने चले हैं। जी बाबूजी, वो माजरी हमारे घर की मेहमान है और आप ही तो कहते हैं कि मेहमान भगवान के समान समान। वो बाबूजी उनका कैमरा रह गया था, बस वो देने आए थे। अब चलो यहाँ से, कर लिया ना मेहमान का सम्मान। जी बाबूजी। जाओ। जी बाबूजी। बाबूजी वो इतनी दूर आए हैं तो माँ जी का आशीर्वाद लेना तो बनता है ना। ठीक है। नमस्ते जी। आज बड़ी खुशी का दिन है माँ जी, खुशियाँ खुद चलकर आपके घर आई हैं। हाँ, और आपसे मिलकर ना सच में बड़ा अच्छा लगा। मन ने भी। हमें भी मौका दीजिए आपकी खातरदारी करने का, बस आप हुक्म कीजिए, हम आपको खुद लेने आ जाएंगे। तो अच्छा माँ जी, फिर अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। जी। अब सीधे घर जाना, जाओ। अरे लखा बेटा। जी माँ जी। रघुवीर भाई जी, आप कमाल करते हैं, इतने सालों बाद मारे घर में मारे छोरे पधारे, बिना खाए पिए जान ना दूंगे। इतनी सुख घरे से मिठाई खाए बिना जाओगे? आ बैठ। जान बची तो लाखों पाए भाई, अब तो आप अपनी जान हथेली पे रख कर अपने तरकस का आखिरी तीर चला दो। संभल कर चलाना, आखिरी मौका है। बात निकली तेरे पायल।